आज पहुंचा हूं दिल्ली बॉर्डर। जैसा कि आप जानते हैं किसानों ने जगह जगह पर जाम लगा रखे हैं और बहुत ही देखने वाला नज़ारा है। ऐसा लगता है जैसे पूरा हिंदुस्तान, हर कम्युनिटी, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, हर तरह के लोग बैठकर हुक्का पानी कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग जो साइकिलों पर, स्कूटरों पर, मोटरसाइकिल पर, एक जोड़ा बुजुर्ग पति पत्नी अपनी गाड़ी लेकर ऊपर भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगाकर इस कारवां में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान दिल्ली सीमा के करीब डटे हुए हैं। किसानों ने अपनी बात माने जाने तक जमे रहने की बात कही है। पूरी तैयारी के साथ आए किसानों ने अपने खाने पीने से लेकर ठहरने तक का अनोखा इंतजाम कर रखा है। किसान सड़क पर ही खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं। देखिए किसानों का यह धरना। बड़ी मुश्किल से सोनीपत के पास पहुँचे, बहालगढ़ गाँव के पास, और देखिए वहाँ का नज़ारा कैसे खाना सोचता जा रहा है। हमारे पहुँचते ही लोगों में जोश पर नारेबाजी होने लगी। खाने के लिए कहा गया कि आप ही खाएं, तो ये सारी बातें देखते हुए लगता है कि किसान पूरे जोश में। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं जंग शेर सिंह राणा, वरिष्ठ सहयोगी के साथ